ये जी आज हमारे घर पे नाश्ता चल रहा है, नाश्ते पे आए हुए हैं। हेलो शरान, सबकी नाश्ता मजे का बना है। ये देखिए जी, ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत बुरा बनाती हूँ, कभी अप्रिशिएट नहीं उन्होंने किया। इस वजह से ये होता है कि मैं बेचारी जो है ना बनाती हूँ तो मेरा मजाक उड़ा के मुझे खत्म। चलिए आपके कमेंट हम सुनते हैं ना, आप क्या कहती हैं। हाँ मतलब तुम बताओ कैसे खाना बहुत मजा है सच्ची में, सही होता है किसी ने बनाया। ये देखें, ये सब सोच रहे हैं कि मैंने किसी होटल से मंगवा लिया या कहीं बाइट से मंगवाया, लेकिन ऐसा नहीं, या कोई आके बना गया कुक वगैरह, नहीं मैंने आज खुद। पर मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप बना सकते, अच्छा बना सकते। थैंक यू मायरा, तुम कितनी अच्छी हो। मुझका खाना मजे का, मैंने नहीं खाया। मायरा पराठा देना मेरे बेटे को। क्या मजे का, दाल मजे की है या चिकन मजे का? चिकन मजे का है। और दाल उससे भी ज्यादा मजे का। मजे का लग रहा है, वो उसे गिलास पकड़ेगी। हाँ जी, वो एरल सारे गिलास तोड़ देती है, इसे हमें बचाना पड़ता है। और एक मेरा जो बच्चा है वो बहुत ही गंदा बच्चा है, वो जो हमेशा यही कहता है कि माँ को आप बहुत बुरा बनाती हैं। मुझे पहली दफा मैं कह रहा हूँ आपने मजे का बनाया। अफसोस की बात है, पहली दफा कहना ये कोई बात है, ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। वो मजे का जी, आज तो शहर खाना बना रही है पराठे। शादी के बाद के नुकसान है, शादी से पहले सहने बुरी बात है यार, बच्ची को काम पे लगा लिए। ऐसे शोर से डंडा दो भी डंडा। ये जी बच्ची के, बच्ची से मीठा बनवाने की बजाय पराठे बनवा रहे, कैसी बात है। अच्छा खाना बहुत मजे का था। बाकी क्या चीज अच्छी थी? चिकन बहुत मजे का बना, दाल नहीं थी अच्छी, नहीं नहीं चिकन ज्यादा मजे का। चलो ये अच्छी बात है। चलो एरल क्या कर, एरल क्या पहने हुए है, एरल कितनी पारी लग ली है। बाल एरल कबीर क्यों नहीं खा रहा, कबीर को इधर आओ। बड़ा मजे का खाना बना है, मैंने खुद नहीं टेस्ट किया, लेकिन चलें बाकियों के कमेंट्स पास हो गए हैं, मुझे खुशी हो रही है। मैं इसका मतलब मैं पेट भर गया है मेरा, क्योंकि मेरी तारीफ हो गई ना, कभी कोई करता नहीं है। चलो शुक्र है जी। ये जी कबीर साहब एक ही काम पे हमेशा, मेरे बेटे साहब, बेटा साहब मेरे प्यारे बेटे, आप खाना क्यों नहीं खा रहे, हमेशा नाराज उदास और हमेशा दुखी बच्चा। लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई कह रहा मुस्तफा मैं पका के तुम पका पराठा, चले मैं अपने बेटे को खुद बना के देती हूँ, कोई नहीं बना के देता मेरे बेटे को, मैं बना के दूंगी। माहिरा इसको मुस्तफा को पराठा दे दो एक। हाँ मुस्तफा आप खाएंगे? हाँ मुस्तफा का पराठा बन रहा है, माहिरा बना रही है, मजे का होगा इनका। सैफी बुराइयां भी कर रहा है और चार रोटियां खा गए, और शरान ने तो मेरी तारीफ की है, लेकिन उसने बेचारे ने एक ही रोटी खाई है, ज्यादा नहीं खाई, और जिसने बुराइयां की है वो चार पांच खा गया पराठे। हाँ और ये देखे क्या चीज, खाना इन लोगों ने खा लिया। मलेदार चाय रह गई है। हाँ मैं चाय खुद बना के दूंगी मजे की। ओके ओके, आपकी आपकी कॉफी और आधी कप चाय, आधा कप स्ट्रॉन्ग विदाउट शुगर। ओके स्ट्रॉन्ग शुगर विदाउट शुगर। ओके ओके, और शरान तो बहुत चीनी पीता है, लगता है इसकी कोई शुगर बिल में ना कोई रिश्तेदारी है, लेकिन मैं फीकी दूंगी इसको, क्योंकि मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है फिलहाल ना, शुगर कम पीनी चाहिए। एरन तो आज ऐसे बनी पड़ी है कि बस ये आज किसी फंक्शन में जा रही है, खुश हो रही है।
चलें शरान को मैं चाय बना दूं जब तक आप लोग मेरा इंतजार करें और मुझे भी मुस्तफा को।